Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students of 9th class, hope so you all will be fine and enjoying sound health at your homes. Students, our today's message is jhoot nahi bolna. Students, aaj ka hamara paigham hai jhoot nahi bolna. Okay students, now moves towards our main lesson, class 9th, subject English, unit 1. And unit title is Savior of Mankind, इंसानियत को बचाने वाला. हमारा जो unit है उसका title है Savior of Mankind, यानी कि इंसानियत को बचाने वाला. And our topic is words meaning. So students, today we will learn the words meaning of unit 1. Its name is Savior of Mankind, इंसानियत को बचाने वाला. आज स्टूडेंट्स हम अपने यूनिट फर्स्ट जो यूनिट है हमारा यूनिट वन के वर्ड्स मीनिंग पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट फ्रॉम वर्ड फर्स्ट वर्ड सेवियर. सेवियर मीन बचाने वाला. जैसा कि आपने पहले भी अपने टाइटल में, अपने यूनिट के टाइटल में ये वर्ड देखा है सेवियर. सेवियर का क्या मीन है? बचाने वाला. ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत को. सेवियर मीन बचाने. और ये सेवियर ऑफ मैनकाइंड हैं कौन? ये हमारे बिलव्ड रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं. मैनकाइंड, मैनकाइंड मीन इंसानियत. इमेजिनेशन, इमेजिनेशन मीन तखय्युल. ट्रैवलर्स, ट्रैवलर्स मीन मुसाफिर, सफ़र करने वाले. ट्रैकलेस, गुमनाम, जिसका कोई पता ही ना हो. ट्रैकलेस, गुमनाम. डेजर्ट, डेजर्ट मीन सहरा. सहरा किसे कहते हैं? ऐसा रेतला इलाका जहां सब्ज़े का कोई नामो निशान ना हो. ट्रैकलेस डेजर्ट्स, गुमनाम सहरा. ऐसे सहरा जिनके रास्तों का कोई पता नहीं. मेमोरी, हाफजा या याददाश्त. एक्सप्रेशन इजहार. प्रोफाउंड, प्रोफाउंड मीन गहरा. कंपैशन, कंपैशन मीन जज्बा. प्रोफाउंड कंपैशन, गहरा जज्बा. सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड मीन तन्हाई. मेडिटेशन, मेडिटेशन मीन गौरो फिकर. ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी मीन इंसानियत. मोमेंट, मोमेंट मीन लम्हा. केव, केव मीन गार. कंजील्ड ब्लड, कंजील्ड ब्लड, जमा हुआ खून. मंजमंद खून. जमा हुआ खून या मंजमंद खून. कंजील्ड ब्लड. रॉन्ग बिलीफ, गलत अकायद. रॉन्ग बिलीफ, गलत अकायद. अर्ज, अर्ज मीन ख्वाहिश.
destroy, destroy mean तबाह करना. ignorance, ignorance mean जहालत. proclaim, proclaim mean दावा करना. किसी भी काम, किसी भी बात के लिए उठ खड़े होना, उसका दावा करना. divine bliss, खुदा की रहमत. divine bliss, खुदा की रहमत. threat, threat mean खतरा. memorable, memorable mean यादगार. guidance, guidance mean रहनुमाई. situation, situation mean सूरते हाल. dignity, dignity mean अजमत. dignity, dignity mean अजमत या वकार. conquest, conquest mean फतह. conquest, conquest mean फतह. so students, ये आज के हमारे words meaning थे. आपने इन्हें पहले अच्छी तरह से लर्न करना है, देन अपनी नोटबुक पे, अपनी नीट जो आपकी डायरीज हैं उस पे इसे, इन वर्ड्स मीनिंग्स को खूबसूरत राइटिंग में लिखना है और अच्छे से याद करना है. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.